So today we start the second part of organic chemistry. Before that, मैंने पहले ही कह दिया है कि इसको कंप्लीट करने से पहले आपको IUPAC that is IPAC nomenclature कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे. आज को स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज उनका नेक्स्ट डे एग्जाम है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेरा भी कल एग्जाम है IIT गुवाहाटी का प्रेजेंटेशन, बट फिर भी मैं क्लास करवा रहा हूँ. और तुम लोगों का क्लास रहता है तो फिर ज्वाइन नहीं करते वो लोग, एग्जाम रहता है तो शुड नॉट बी डन. तुम लोग जितना लाइफ में प्रेशर लोगे उस हिसाब से ही फ्यूचर में तुम लोग का कैपेबिलिटीज इंक्रीज करता है. ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज अ फेनोमेना. ओके, रिमेंबर आइसोमेरिज्म इज अ फेनोमेना जो क्या बताता है हमें, कोई दो कंपाउंड अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी अलग है एक दूसरे से, इवन दो देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट? यस यस सर, इट इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जस्ट टेक एग्जाम्पल. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. एवरीवन नोस ग्लूकोज का फॉर्मूला, सबको पता है कि ये ग्लूकोज है. लेकिन फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है जिसको किसी को नहीं पता. ग्लूकोज जो होता है स्वीट इन टेस्ट होता है, एवरीवन नोस. फ्रुक्टोज का टेस्ट जो होता है स्वीट नहीं होता एट दैट ऑफ दैट ऑफ योर ग्लूकोज. ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है. सो देयर इज मच डिफरेंट इन फिजिकल एज वेल एज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू कंपाउंड इवन दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो आइसोमेरिज्म मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बट डिफरेंट फिजिकल एंड और केमिकल प्रॉपर्टी. इज इट ओके? सो आइसोमेरिज्म को बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई किया गया है. पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. ओके, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? जहां पे उनका अरेंजमेंट, दिस टर्म स्टीरियो, स्टीरियो वर्ड कहां सुने हो तुम लोग? एनी आइडिया स्टीरियो वर्ड? कहीं नहीं सुने हो सर? सुने बट याद नहीं आ रहा है. स्टीरियोफोनिक वर्ड सुने होंगे ऐसा कुछ? स्टीरियो? हाँ सर, हाँ सर. इन योर FM, इन योर एयरफोन लाइक दिस, है ना? स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है स्पेस. स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है स्पेस और थ्री डायमेंशनल. सो अगर उनका अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट इन 3D स्ट्रक्चर, दैट काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. मीन्स देयर अरेंजमेंट इज डिफरेंट इन स्पेस, दैट इज स्टीरियो आइसोमर. हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इसका डेफिनेशन आप क्या बोल पाओगे? इसका डेफिनेशन अगर बनाना चाहो तो आप क्या कहोगे कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो डेफिनेशन नहीं पूछता, बट फिर भी अगर आपको बनाना हो तो आप इसको क्या लिखोगे?
structural isomerism in which compound having same molecular formula but differ from their structures. Okay, so structure में कैसे differ कर सकता है, ये भी further classified है छह type में. First is called chain isomerism. हम लोग details में देखेंगे positional group positional isomerism और positional group isomerism. Then your functional group isomerism, metamerism, tautomerism and ring chain isomerism. हम लोग इसको डिटेल में एक एक को देखेंगे. ओके, सो पहला आते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. देखो अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया वही यहाँ लिखा हुआ है. सो हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि एक इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे है ही. पहला टाइप में आते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म में. क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म में, डिफरेंट किस फॉर्म में होगा, कार्बन चेन. चेन वर्ड का मतलब ये कार्बन चेन. तो अगर किसी दो कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें का कार्बन चेन आपस में अलग अलग तरीके से दिख रहा है आपको, सो दैट इज कॉल्ड योर चेन आइसोमेरिज्म. टेक एग्जांपल हियर, दिस इज C5H12. इस C5H12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3CH2CH2CH2CH3. चेकआउट करो इसमें C5 है एंड H12 है या नहीं, एक बार चेक कर लेना. सो दिस इज 3 and 3 6 एंड दिस 6 कंप्लीट है. इसका नाम क्या होगा बताओ पहले वाला का. यस, नाम बताना. पेंटेन. या दिस इज पेंटेन. देखो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. सेकेंड नंबर मैंने जो लिखा इसमें मैंने क्या किया, चार कार्बन का एक चेन बना लिया. मेन फंक्शनल जो चेन होता था ना, लॉन्ग चेन सिलेक्शन, यहाँ लॉन्ग चेन ये है, यहाँ पर लॉन्ग चेन ये पकड़ लिया हमने. अब इसका नाम क्या होगा बताओ. सर 2-methyl-butane. या 2-methyl-butane. एंड लुक एट दिस, यहां भी C5 है और H12 है. दोनों का नाम अगर अलग है इसका मतलब ये दोनों अलग कंपाउंड है. सीधा सा बात होता है, इसी दो कंपाउंड का नाम अलग हो गया इसका मतलब वो कंपाउंड भी अलग हो गया. तो दो कंपाउंड हो गए जिनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. और ये डिफर कैसे कर रहे हैं, दे आर डिफर बाय द नेचर ऑफ कार्बन चेन. इज इट ओके. एक और तरीका हो सकता है इसका, देखो ये हमने इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं CH3C एंड देन 3CH3. सो इफ यू अगेन चेक, यहां भी C5 है और H12 है. इसका नाम क्या होगा बताओ. यहां हमारा लॉन्ग चेन ये होगा. 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन. डाइमिथाइल प्रोपेन, एग्जैक्टली. So, देखो और कुछ हो सकता है क्या, जरा सोचो तो. C5H12 का और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, यहाँ कार्बन. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक कंपाउंड दे देगा आपको और बोलेगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स और राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स. तो आपको सोचना होगा कि इसके बाद और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता. सिमिलरली जरा ट्राई करो तो मुझे C6H14 का कितना सारा चेन आइसोमर बनेगा बताओ. जरा डू इट फास्ट. चार तरीके को बन सकता है. पहला का नाम क्या होगा, नाम बोलना पड़ता है ओके एग्जाम में. पहला का नाम होगा एक्सेल. ओके, आई डोंट हैव स्लाइड्स हियर, सो लेट मी ऐड अ स्क्रीन. पहला
पहला हुआ हेक्सेन, दूसरा का नाम बताओ, तुम नाम बताओ, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सर टू मिथाइल पेंटेन, टू मिथाइल पेंटेन, ओके, सो दिस विल बी लुक लाइक दिस। Isn't it? Then? Yes, sir. Then? Then, sir, 3-methylpentane. So, this is 3-methylpentane. If names are different, then the compound is different. This is the key of this topic. Isomerism ka key kya hai hamara? Agar naam alag hoga, tabhi jaake. So, naam alag hai iska. If you check, this is 1, 2, 3, 4, 5. So, this is 3-methylpentane. Correct. Then, fourth one. Aur kuch? Sir, 2,2-dimethylbutane. Dimethylbutane. Okay, let's see. Aisa kuch ban raha hai ki nahi? CH3. This is CH3, CH3, CH2, CH3. Yeah. So if you do it like this, so this is my long chain. 1, 2, 3, 4. So this is 2,2-dimethylbutane. Aur kuch banega? Anything else? Anything else? सर ऐसा कुछ बन सकता है कि 2 नहीं सर, और भी एक बन सकता है ना, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये भी तो हो सकता है ना। सो दिस इज 2,3-dimethylbutane. Isn't it? और कुछ हो सकता है क्या? Yes. और नहीं होगा। So there are possible 5-chain isomerism. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये स्क्रीन है। So हम लोग बोल सकते हैं C6H14 के पॉसिबल 5-chain isomers. ठीक है, इसको कहते हैं आइसोमर्स, और पूरा फेनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। कंफ्यूज मत होना, आइसोमर्स मींस इनको सबको आपस में कहेंगे दे आर आइसोमर्स, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमर्स। सो चेन आइसोमेरिज्म क्लियर है या नहीं, फटाफट बताओ, इज इट क्लियर? यस सर। सो नेक्स्ट इज योर सेकेंड नंबर, पोजिशनल और पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी बुक में लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना, पोजिशनल और पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसका एक और नाम होता है, ये दो चीज का पोजिशन पे डिपेंड करता है, किसका पोजिशन हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पोजिशन ऑफ आइदर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप और नेचर ऑफ बॉन्ड। किस पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ आइदर द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ आइदर द फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ आइदर ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड जब भी हम लोग बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के बारे में नहीं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसके अंदर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट, देन द स्पीसीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर अनंत? एक एग्जांपल देखो सर, तो C3H7Br है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा बताओ,
sir, 1-bromo-propane. Yeah, this is 1-bromo-propane. And ye second wala jo hai, naam hoga 2-bromo-propane. So in dono mein position of substituent जो है वो changed है, isn't it? First वाले में bromo है एक नंबर वाले कार्बन पे और सेकेंड वाले में है bromo है दो नंबर वाले कार्बन पे. So substituent का position अलग अलग है. दूसरा example देखो, C4H10O. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या form of alcohol. So इसका नाम बोल सकते हो clearly, इसका नाम क्या होगा? This is butane 1-ol, isn't it? और इसका नाम हमारा हो जाएगा butane 2-ol. OH के लिए all use होते था, याद करो, alcohol group. तो इन दोनों कंपाउंड में क्या अंतर है? दोनों कंपाउंड में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज है. Is it okay? Yes, sir. चलो एक मैं स्लाइड फिर से ऐड कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में. अब मुझे बना के बताओ कि पोजिशनल आइसोमर्स क्या क्या पॉसिबल होंगे. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ये है CH3CH2CH double bond CH CH3. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 3 and 3 6 8 and 2 10 C5H10. आपको बनाना है इसका पोजिशनल आइसोमर्स. प्लीज फॉर्म द पोजिशनल आइसोमर्स. इट इज रिलेटेड टू ऑल्सो योर मेटामेरिज्म से रिलेटेड है. मैं बाद में मेटामेरिज्म में आऊंगा, फिलहाल इसको मैं पोजिशनल में ही बता रहा हूं. मेटामेरिज्म में भी ऐसा ही कुछ है, पर पहले यही सीख लो. तो इसका नाम हो जाएगा हमारा, इधर से नंबरिंग करेंगे. सो दिस इज ब्यूट टू इन. सेकेंड नंबर क्या बनेगा हमारा? यस, यस, हेलो. सेकेंड वन इज व्हाट? ये हो सकता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये नहीं होगा. अगर दो कंपाउंड का नाम मैच कर जाता है ना, इसका मतलब कभी भी वो आइसोमर नहीं हुआ, तो हम इसे ऐसा नहीं बना सकते. इज इट ओके? तो हमें थोड़ा चेंज करना होगा. आप इसको ऐसा कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड ले आओ. इसको ऐसे कर दो, अब तो ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूट वन इन. और कुछ हो सकता है? ब्यूट थ्री इन हो सकता है क्या यहाँ? नहीं सर, ब्यूट थ्री नहीं होगा, क्योंकि आप जब थर्ड वाले पे लगाओगे तो नंबरिंग का पोजीशन चेंज हो जाएगा. लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा. इज इट ओके? सो ये दो इसका पोजिशनल आइसोमर हुआ, लेकिन एक्चुअली ये मेटामेरिज्म होता है, मैं वो बाद में आ रहा हूं, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ करो. सो आई होप पोजिशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दो कंपाउंड का, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है. तो इसको बस सिंपली कैसे याद रखोगे? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला,
but different what functional group. याद रखना तुम्हारे सिलेबस के लिए, ऐसे तो होते बहुत सारे हैं बट तुम लोग के सिलेबस के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है, हमेशा याद रखना अल्कोहल जो है वो ईथर में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा ईथर और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा कीटोन एंड वाइस वर्सा। ये एकदम इसको एकदम याद कर लो, ये एक ट्रिक है फॉर इवन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। अल्कोहल अगर आपको दिया है तो आपको उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है, आप ईथर बना दो, और एल्डिहाइड है तो कीटोन बना दो, कीटोन है तो एल्डिहाइड बना दो। जैसे यहां देखो पहला एग्जाम्पल, दिस इज योर एल्कोहल CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है, दिस इज यस सर इथेनॉल, इथेनॉल या एंड इसका देखो स्ट्रक्चर है C2H6O एंड सेकेंड वाले का इसका क्या नाम होगा, दिस इज ईथर RCOR, ईथर ऐसा कुछ दिखता था, सो इट लुक लाइक ईथर, इसका नाम क्या होगा, और हिंट्स याद करो क्या करते थे हम लोग, ऑक्सीजन को एक अल्काइल ले लेते थे है ना, और उसका नाम पहले लिखते थे, सो दिस इज मिथाइल विथ ऑक्सीजन, सो मिथॉक्सी, एंड देन इधर जो अल्केन बचा इसका नाम, सो मिथॉक्सी, इसके लिए नाम हो गया मिथॉक्सी, और ये अकेला सी एच थ्री बचा है तो सी एच थ्री इज मिथेन, ऐसे नाम लिखते थे हम लोग। सो एल्कोहल का ये दो हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सिमिलरली देखो C3H6O दिया हुआ है, C3H6O का एक बना सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड CH3CH2CH, इसका नाम क्या होगा पहले वाला का, ब्यूटानॉल, प्रोपानॉल होगा, या दिस इज प्रोपेन अल और प्रोपेन वन अल, ठीक है, आप इसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता था हमारा इफ यू रिमेम्बर, और ये जो है हमारा ये कीटोन ग्रुप होता था, इसका नाम क्या होगा दूसरे वाले का, दिस इज प्रोपानॉल टू ओन, प्रोपेन टू ओन सेकेंड पे है, और इसका एक कॉमन नेम होता था काफी फेमस, बताया था मैंने, रिमेम्बर एसीटोन, एसीटोन कहाँ काम में आता था ये भी बताया है मैंने, एसीटोन काम में आता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, स्पेशली ग्लास क्लीनिंग एजेंट, कांच वांच का सफाई करने के लिए कोलिन देखे होंगे वहां पे ये एसीटोन ही होता है, और एल्डिहाइड कहाँ यूज होता है हमारा, बताया था मैंने, वेल सर्च फॉर इट, सब कुछ रिवीजन करो बार बार मैं कह रहा हूं। सो ये हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक फिर से मैं स्लाइड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एंड मुझे बताओ इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है, सो CH3CH2CH2OCH3, सो इसका नाम क्या होगा पहले लिखना है, और मैं इसका फॉर्मूला सिर्फ लिख दे रहा हूँ, दिस इज C4, H इज 10O, ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये है कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, सर मिथॉक्सी प्रोपेन, या सो दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी इसके वजह से, या सो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बताओ मुझे,
This is ether, right? Yes. So इसका functional group isomer obviously क्या होगा हमारा? Alcohol होगा. Alcohol बना दो. इस formula का alcohol कैसा दिखेगा? चेक कर लो एक बार, मॉलिकुलर फॉर्मूला मैच कर रहा है या नहीं. एंड दिस विल बी योर ब्यूटेन वन ऑल और सिंपली ब्यूटेन ऑल. इज इट क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे बुक के. जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने फास्ट होते जाओगे. मैं रिलेटेड एमसीक्यूज भेज दूंगा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड. पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ. हाँ सर. ओके देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जाम. ओके नेक्स्ट इज योर मेटामेरिज्म. अभी मैंने कहा ना मेटामेरिज्म में तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको वेट किया था. मेटामेरिज्म एनसीईआरटी में शायद नहीं है, एक बार चेक कर लेना. आई डोंट रिमेम्बर इज देयर और नॉट. सो दिस इज फोर्थ नंबर कॉल्ड मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. किसी ग्रुप में, किसी फंक्शनल ग्रुप का जो सेंट्रल पॉइंट, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो अल्काइल ग्रुप के सेंटर पे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ईथर और दूसरा है कीटोन. इफ यू लुक वेरी केयरफुली, मैं एक एग्जांपल्स के साथ यहां पहले बताऊं फिर मैं यहां आता हूं. जैसे कि देखो ये एक ईथर है. इसमें ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन है. वो क्या करता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है. एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड. और दोनों ही साइड क्या कंटेन करते हैं? एल्काइल ग्रुप कंटेन करते हैं. इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप. सिमिलरली कीटोन भी देखो, कीटोन कुछ ऐसा ही होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. नाउ दिस अगेन दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. इसका इस साइड में एक बन रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एक बन रहा है राइट हैंड साइड, एंड दे आर ऑल्सो योर एल्काइल ग्रुप्स. तो ऐसे कंपाउंड में क्या होगा, ऐसे कंपाउंड में अगर हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज कर दे, आई रिपीट, इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विथ सेंटर एट द फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, अगर हम फंक्शनल ग्रुप सॉरी अल्काइल ग्रुप जो है इसको चेंज कर दे, उसका नंबर चेंज कर दे, या फिर उसमें चेन कुछ ला दे, चेन आइसोमर बना दे वहां, देन दैट इज कॉल्ड योर मेटामेरिज्म. कम विद दिस एग्जांपल. देखो C4H10O, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड, पूरा को एक साथ लेंगे, सो दिस इज इथॉक्सी इथेन. इसी चीज में मैं सेंट्रल में देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा दो कार्बन है और राइट हैंड साइड में भी दो कार्बन है. मैं क्या कर सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही कार्बन रहने दो और राइट हैंड साइड में आप तीन कार्बन ले जाओ. सो मैंने यहां क्या किया, फंक्शनल पोजीशन को सेंटर करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया. तो आप इसको क्या कहोगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहोगे या फिर चेन आइसोमेरिज्म कहोगे? इजंट इट, ये कंफ्यूजन है ना, इसको आप पोजिशनल ग्रुप. yes, क्योंकि पोजीशन भी चेंज हो रहा है और चेन भी चेंज हो रहा है, so, इसीलिए ओवरऑल इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म. इज इट ओके नाउ सर? सर अगर इसी एग्जांपल में चारों का कार्बन को एक साइड करके इधर से हाइड्रोजन रखा जाएगा तो इसको हाइड्रोक्सीब्यूटेन बोला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो अल्कोहल बन जाएगा ना फिर. अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ H रख दे और यहाँ चारों को ले जाए, ऐसे यहाँ ध्यान से अल्कोहल बन गया. हाँ सर.
तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ना कि मेटामेरिज्म. इज इट क्लियर? यस सर. इट्स नो लॉन्गर अ मेटामेरिज्म, रादर इट टर्न्स इनटू योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है. दूसरा एग्जांपल यहां देखो कीटोन को लेके, C5H10O. सिमिलरली इधर भी दो कार्बन था, इधर दो कार्बन था हमारा, सेंट्रल में है कीटोन ग्रुप. फिर हमने क्या किया, इधर एक कार्बन को रख दिया और इधर में हमने तीन कार्बन को ले लिया. सो दैट इज योर मेटामेरिज्म. अगर यहां भी तुम वो क्वेश्चन मुझसे पूछो कि यहां एच रख के चारों को उधर ले जाओ, तो अगर ऐसा आप करोगे तो देखो क्या होगा. अभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिमाग में आए, अच्छी बात है, इसको करके खुद ही देख लो. देखो अगर मैंने ऐसा किया कि इधर मैंने जीरो कार्बन रख लिया और इधर मैंने चारों कार्बन को ले गया, तो ये कीटोन ग्रुप बचा ही नहीं, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, है ना. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और इसी वजह से ये क्या बन गया, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. And it is no longer metamerism. Is it clear for ether and ketone? Yes, sir. ये exam में competitive exam के लिए ये बहुत important है, याद रखना. घुमा फिरा के बहुत questions मिलते हैं यहाँ से. ये इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है ये boards के लिए अच्छी बात है, but competitive exam के लिए metamerism and tautomerism बहुत important है. Tautomerism I'm not including here. ओके, टॉटोमेरिज्म एक्चुअली नहीं दिया एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया. वेल इफ यू विश देन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट टॉटोमेरिज्म. इज इट ओके? यस सर. सो हम लोग आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक ही रहने देते हैं, अभी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे और उसके साथ टॉटोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लेंगे और रिंग चेन आइसोमेरिज्म. इफ यू विश मुझे बताना लास्ट नेक्स्ट क्लास, देन हम लोग करेंगे एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे, चैप्टर आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनेंसियोमर हो गया. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर तुम लोग को लगता है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, 90% स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, बोलते हैं रटना है, सिर्फ रटना है, इक्वेशन रटते रहो, नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है और इसमें बिल्कुल भी नहीं रटना है. जो लोग ऐसा सोचते हैं वो 100% गलत है. और क्लास 12 में 44 मार्क्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, क्लास 12 में, सॉरी 44% नहीं, 50%, my mistake, 50% of the marks in class 12 is from the organic chemistry itself. सोच सकते हो 35 नंबर आएगा बोर्ड्स में तुम लोगों का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए इसका रिएक्शन मैकेनिज्म. इसलिए मैं इसको टाइम लेके दो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा. थोड़ा बहुत अगर आप लोग पढ़ सकते हो बुक से तो पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चीज है. अगर पढ़े रहोगे तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखने मिलेगा यहाँ. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नो सर.